দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার বাসভবনত শুক্রবারে সিবিআই 14 ঘণ্টা ধরে চলায় তালাচী। দিল্লির আপ সরকারে আবকারী নীতিত ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগত সিবিআই চলায় তালাচী। সিবিআইর এজাহারত এতিয়া আপর আবকারী নীতির কেলেঙ্কারির এক নম্বর অভিযুক্ত সিসোদিয়া। তিনিদিনের ভিতরতে গ্রেপ্তার হব পারে সিসোদিয়া। ইফালে শনিবারে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করে কেন্দ্রর মোদী সরকারক উভতি ধরে মনীষ সিসোদিয়ায়। সিসোদিয়ায় মন্তব্য করিলে মোদী সরকারের ষড়যন্ত্রত সিবিআইৰ তালাচী, কোনো কেলেঙ্কারি হওয়া নাই আপর পুরা নীতিত। মনীষ সিসোদিয়া নে 8,000 কৰোড় কা ঘোটালা কিয়া, ফির থোড়ি দের বাদ বিজেপি কে ওর এক নেতা আয়ে প্রেস কনফারেন্স করনে ইয়া শায়দ কিসি মিডিয়া মে বাত করনে, ও বোলে 1100 কৰোড় কা ঘোটালা মনীষ সিসোদিয়া নে কিয়া। ফির মে সোচ রা থা কি এলজি সাহেব নে জো প্রেস রিলিজ জারি কিয়া থা উসমে উনহোনে লিখা থা 144 কৰোড় কা ঘোটালা কর দিয়া মনীষ সিসোদিয়া নে। কল ফির জব সিবিআই কে অফিসার্স আয়ে তো ও এফআইআর লেকে আয়ে থে, উসমে না 8,000 কৰোড় কা জিক্র থা না 1100 কৰোড় কা জিক্র থা। উসমে লিখা থা সোর্সেস কে রহে হ্যায় কি 1 কৰোড় কা ঘোটালা হুয়া হ্যায়। সিসোদিয়ায় লগতে দৃঢ়ভাবে কয় আপ সরকারের পুরা নীতি দেশের ভিতরতে শ্রেষ্ঠ। দিল্লির উপরাজ্যপালে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সিদ্ধান্ত সলনি নকরাহেতেন এই আবকারী নীতির পরা দিল্লির সরকারে প্রতি বছরে পালেহেতেন 10,000 কোটি টাকা। বিজেপির নেতৃত্বে কোয়ার দরে সুরা নীতি কেলেঙ্কারি হওয়ার কথা সংবাদমেলত মর্যাদ করে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীগুলো স্পষ্টক কয় কোনো 8,000 কোটির কেলেঙ্কারি হওয়া নাই। সিবিআইর এজাহারত নাই বৃহৎ কেলেঙ্কারির কথা। সংবাদমেলতে জ্যেষ্ঠ আপ নেতাজনে গুজরাটের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বৃহৎ আবকারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ তোলে। আপ নেতাজনে কয় গুজরাটত প্রতি বছরে 10,000 কোটির পুরা কেলেঙ্কারি। আগর ইনকো শরাবকে ঘোটালে কি চিন্তা হতি তো গুজরাট মে হর সাল 10,000 কৰোড় রুপে কি এক্সাইজ চোরি হতি হ্যায়। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। किंतु गुजरात और सीबीआई की और तदंत सोलवा नाई बोली प्रश्न उत्थापन करे दिल्ली उप मुख्यमंत्री गोराकी केजरीवाल बाधा दियार बाबे सीबीआई तलाशी। केजरीवाल और देशजुरा जनप्रियता शंकित मोदी। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुनपटिया को आक्रमण करी मनीष सिसोदिया उल्लेख करे एतिया देखोर विरोधी सरकार भंगार चिंतात मग्न मोदी। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि कौन से राज्य में पोजीशन की सरकार है, उसको पैसे देके या सीबीआई का डर दिखा के या ईडी का डर दिखा के कैसे उसको गिरा दिया जाए। मोदी जी एने कार्य करतुए शोभा ना पाए मोदी। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने इतना बड़ा जनमत दिया है, ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की छोटी छोटी सोच रखते हैं कि कोई आदमी काम करे तो उसके हेल्थ के काम को रोक लो, एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालो, हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डालो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। मोदी पुनपटिया कोई प्रत्याहवान जनाए ज्येष्ठ आप नेता जने लगते मंतव्य करे आपे भय न करे मोदी। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है, पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में कभी भी, ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं, हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबी। आपर सदस्य सकलक भगत सिंह और संतान बुली उल्लेख करी आप नेता जने पुनपटिया कोई कय आगंतक निर्वाचन केवल मोदी वर्सेस केजरीवाल। देखर जनता प्रधानमंत्री हिसाबे विचारिसे केजरीवाल। মনীষ সিসোদিয়ার সংবাদ মেলর পর এইটাই স্পষ্ট হল যে দেশের রাজনীতিত এতিয়া কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী আপ আর বিজেপি।
सिसोदियार घर सि वि आईर तलाशिये बृद्धि करिले दुयो दलर मजत राजनैतिक शत्रुता। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, प्राग न्यूज़।